हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। वी वर डूइंग हिस्ट्री चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड सत्याग्रह मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत इशू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड गांधी जी मेड प्लान ऑन नॉन कोऑपरेशन एंड मूवमेंट इन द टाउन्स। नाउ वी विल कॉन्टिन्यू विद द टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। So we were doing non-cooperation movement that was started with the participation of middle class people who left the British institution and boycotted the foreign goods also. But after 1 year, it gradually slowed down due to the variety of reasons. So we have read the effect of non-cooperation movement in the towns. Ab towns se non-cooperation movement villages mein aur countryside mein kaise spread hua? अब विलेजेस में भी पीजेंट्स और ट्राइबल्स की ऑलरेडी स्ट्रगल चल रही थी। सो हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ अवध। पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फीजी एज एन इंटेंचर्ड लेबरर। अब अवध में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका एक लीडर था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी था और पहले कभी वो फीजी में एज इंटेंचर्ड लेबरर काम करके आया था। इंटेंचर्ड लेबरर का मतलब भी एक बेगार की तरह ही होता है जो फ्री में काम करते हैं, लेकिन बेगार में हम अनविलिंगली काम करते हैं और इंटेंचर्ड लेबरर मींस कि हम विलिंगली काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनकम तो इसमें भी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट यू आर सेटल्ड, यू विल गेट फूड। तो बाबा रामचंद्र को बहुत मानते थे। यहाँ पर पीजेंट्स की लड़ाई तालुकदार के साथ थी और लैंडलॉर्ड्स के साथ। तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स को ही बोलते हैं, इट इज़ अ लोकल नेम, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट, एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स चार्ज करते थे एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। सो दैट्स वाई आई हैव गिवन नंबर। फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट पीजेंट्स वर गिविंग हाई रेंट्स एंड अदर सेसेस and peasants had to do begar and work at landlord's farm without any payment, क्योंकि landlords से उन्होंने ज़मीन rent पे ली थी तो उनके farm के ऊपर उनको free में काम करना पड़ता था without any payment, and as tenant, tenant means जिन्होंने land rent पे लिए peasants, they had no security of tenure, उनकी कोई भी tenure की या time period की security नहीं थी। जैसे अगर peasants ने 1 year के लिए lease पे लिए या rent पे लिए land, तो उनको किसी भी वक्त इन बिटवीन 3 महीने के बाद लैंड से निकाल दिया जाता था, 6 महीने के बाद। मीन्स देयर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड बींग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर दी लीज्ड लैंड। और क्योंकि लीज्ड लैंड के ऊपर वो कोई अपना राइट क्लेम ना कर सके, क्योंकि जब भी क्रॉप्स के मैच्योर होने का टाइम होता था, हार्वेस्ट होने का, तो नॉर्मली उस टाइम पीरियड पे उनको एविक्ट निकाल दिया जाता था ताकि वो कोई भी क्रॉप के ऊपर क्लेम, हार्वेस्ट के ऊपर क्लेम ना कर सके। सो पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। अब पीजेंट्स जो लैंडलॉर्ड्स के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल चल रही थी, उनकी 3 डिमांड्स थी। इनको भी आप खुद नंबर दे सकते हो। फर्स्ट डिमांड वॉज दैट दे वॉन्ट द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो उनसे इतना हाई रेंट चार्ज किया जा रहा है या अदर सेसेस टैक्स चार्ज किए जा रहे हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएं, एबोलिशन ऑफ बेगार, उनसे फ्री में ना काम करवाया जाए एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। और वो किसी भी तरीके का रिलेशन इन ऑप्रेसिव, जो उनको बहुत ज़्यादा दबा कर रख रहे थे, इन लैंडलॉर्ड्स के साथ नहीं रखना चाहते थे। सो इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। तो जब ये उनकी फाइट चल रही थी तो उन्होंने नाई धोबी बंद लगा दिए। नाई धोबी बंद मींस, नाई मींस बार्बर, कि कोई भी बार्बर जो है वो लैंडलॉर्ड्स के हेयर कट नहीं करेगा, धोबी वॉशरमैन उनके कपड़े वॉश नहीं करेगा। सो इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगैन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेज। अब जब नॉन कोऑपरेशन के लिए, जब हमने पहले पढ़ा था कि महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे इंडिया में टूर कर रहे थे, तो ऐसे ही कांग्रेस लीडर्स भी
डिफरेंट एरियाज़ में टूर कर रहे थे फॉर द सपोर्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जवाहरलाल नेहरू भी विलेज अवध में पहुंच गए और उन्होंने विलेजर्स से बातें की, उनकी ग्रीवियंसिस, उनकी कंप्लेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एंड बाय अक्टूबर द उद किसान सभा वॉज सेटअप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, क्योंकि वहाँ के लोकल पीजेंट्स बाबा रामचंद्र को मानते थे। बाबा रामचंद्र ने भी कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू के साथ अलायंस कर ली और सब ने मिलकर एक नई किसान सभा सेटअप की जिसका नाम था उद किसान सभा। पहले सभी किसान जो थे वो उत्तर प्रदेश किसान सभा के साथ लिंक्ड थे, लेकिन अब उन्होंने वहाँ से रिलेशन तोड़कर इस न्यू अवध किसान सभा को ज्वाइन कर लिया बिकॉज दे वर टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर प्रॉब्लम्स। एंड विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन दी विलेजेस अराउंड दी रीजन। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस का मोटिव था कि अवध पीजेंट स्ट्रगल को नेशनल स्ट्रगल में मर्ज करना, इंटीग्रेट करना। लेकिन अवध में जो पीजेंट मूवमेंट डेवलप हो रहा था वो इस तरीके से डेवलप हो रहा था कि कांग्रेस लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, दे वर अनहैप्पी विद, क्योंकि गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें वो वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन अवध में जो पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल वॉयलेंट हो गया। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। अब वहाँ पर पीजेंट्स ने तालुकदारों के घरों में या मर्चेंट्स के घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार लूटने शुरू कर दिए, जो ग्रेन होर्ड करके रखा हुआ था उनको भी छीना झपटी करनी शुरू कर दी। सो इन मैनी प्लेसेज लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेज वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पुअर। और वहाँ के लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को कहना शुरू कर दिया गांधी जी का नाम लेके कि गांधी जी ने कहा है टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, गांधी जी ने कहा है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, और गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी एस्पायरेशंस को या अपने एक्शंस को फुलफिल करने के लिए गांधी जी का नाम लेना शुरू कर दिया। सो द नेम ऑफ महात्मा वॉज बींग इन्वोक्ड टू सेंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पायरेशंस। पीजेंट्स ने अपनी इच्छाओं को, अपने एक्शंस को अप्रूव करने के लिए गांधी जी का नाम लेना शुरू कर दिया। नाउ वी हैव सीन दैट इन अवध पीजेंट अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे, मीन्स कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था। और उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उनको ब्रिटिशर से डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर हैविंग प्रॉब्लम विद दी लैंडलॉर्ड्स और दी तालुकदार। तो उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि लैंड रेवेन्यू कम हो जाए या बेगार ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से ट्राइबल पीजेंट्स ने भी महात्मा गांधी के मैसेज को या स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अनदर स्टोरी ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स हु वर लिविंग इन दी गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये एक फॉरेस्ट एरिया था। अ मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट स्प्रेड इन दी अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। अब ये भी मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट मीन्स एक स्मॉल वॉर को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो पीजेंट मूवमेंट हुआ या वॉर मूवमेंट हुआ इस तरीके से हुआ कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरीके से मूवमेंट स्प्रेड हो। सो दिस वॉज द फॉरेस्ट रीजन एंड द कलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जैसे आपने 9th क्लास में फॉरेस्ट चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर कलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन को रिजर्व कर दिया था और ट्राइबल लोगों की एंट्री बैन कर दी थी। तो यहाँ पर भी ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया, देयर एंट्री वॉज बैंड एंड दे कुड नॉट ब्रिंग देयर कैटल्स फॉर ग्रेजिंग एंड कुड नॉट कलेक्ट दी फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। तो जिस तरह से आपने पहले भी पढ़ा था कि ट्राइबल लोगों की सारी ज़रूरतें फॉरेस्ट से फुलफिल होती थी, उनको फ्यूल वुड कलेक्ट करने से भी मना कर दिया गया, वो फॉरेस्ट में आ ही नहीं सकते थे। एंड दिस एनरेज्ड दी हिल पीपल। फॉर दी फॉरेस्ट पीपल फॉरेस्ट इज़ देयर नेचुरल होम। जब उनको उनके घर से निकाल दिया गया तो इस बात से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट उनको उनके घर से निकाल दिया गया है, उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं। एंड वेन द गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कॉन्ट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग द हिल पीपल रिवोल्टेड। वो तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन कलोनियल गवर्नमेंट ने जब उनके साथ ज़बरदस्ती की उनको बेगार करने के लिए रोड बिल्डिंग में,
कि वो फॉरेस्ट में एक रोड बना रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो जब उनको ज़बरदस्ती की गई तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। एंड द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, एलूरी सीताराम राजू। अब ट्राइबल लोगों का जो लीडर था उसका नाम था एलूरी सीताराम राजू, क्लेम्ड दैट ही हैड अ वराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। अब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स थी। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करता था, हील पीपल एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और लोगों की बीमारियों को भी ठीक कर देता था सिर्फ टच करके, इवन बुलेट शॉट। अगर किसी को गोली भी लगती थी तो उसको टच कर, उसके टच से ही वो पर्सन ठीक हो जाता था। एंड कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। अब लोग जो थे वो राजू से इतने ज़्यादा कैप्टिवेटेड थे, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे कि उसको वो भगवान का अवतार मानते थे। एंड राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और राजू हमेशा ही महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बातें करता था। एंड सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। और जब उसने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उसने लोगों को खादी पहनने के लिए मोटिवेट किया, और उसने ड्रिंकिंग को भी गिव अप करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो लीकर आती थी वो सारी फॉरेन से ही आती थी, तो ड्रिंकिंग को गिव अप करने के लिए भी उसने मोटिवेट किया। बट एट द सेम टाइम ही एजर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन वो एक बात से गांधी जी के कन्विंस्ड नहीं था। उसको ऐसे लगता था कि अगर लिबर्टी हमें चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए हमें फोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। वी कैन नॉट विन दिस वॉर विद नॉन वायलेंस। सो गुदेम रिबेल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन ग्यूरीला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो गुदेम हिल्स में ट्राइबल लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर या ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना शुरू कर दिया। एंड इन द मीन टाइम राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और इस वॉरफेयर में राजू पकड़ा गया एंड एग्जीक्यूटेड एंड ही वॉज हैंग्ड ओवर, उसको फांसी लगा दी गई। सो फॉर ट्राइबल्स द मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, बट इट वॉज देयर ओन प्रॉब्लम्स दैट दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ। नाउ अनदर स्टोरी, स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स वेन सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। जैसे आपने देखा होगा जब टी गार्डन्स हैं तो टी गार्डन्स ही टी गार्डन्स, कॉफ़ी गार्डन्स ही हैं, या फिर शुगर केन ही ग्रो की हुई है बहुत ही लार्ज फील्ड्स तक। सो हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी स्वराज का मतलब अपनी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। जैसे पीछे मैंने आपको इंडेंचर्ड लेबरर्स का मतलब बताया था, तो बिल्कुल वैसे ही था कि यहाँ पर भी प्लांटेशन वर्कर्स एक तरह से फोर्स्ड लेबर थी, जो कि आई तो अपनी मर्जी से थी लेकिन उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस थी। अब असम वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। अब उनके लिए कन्फाइंड स्पेस क्या था? टी गार्डन्स। उनके लिए ये लिमिटेशन थी कि वो उस टी गार्डन्स में ही रहेंगे, टी गार्डन्स के अंदर बाहर वो नहीं जा सकते। इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। अब वो चाहते थे कि वो टी गार्डन्स के बाहर भी घूमने जा सकें, जिन विलेजेस से वो आए हैं वहाँ पर वो अपना लिंक रिटेन कर सकें। एंड अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव दी टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। अब उस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो बिना परमिशन के टी गार्डन्स को छोड़ कर नहीं जा सकते थे, और परमिशन उनको बहुत ही कम मिलती थी, बहुत ही रेयर। एंड वेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। अब जब उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने भी अपनी अथॉरिटीज़ को डिसओबे करके प्लांटेशन एरिया छोड़कर वो अपने घरों की तरफ, अपने विलेजेस की तरफ चल पड़े। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज।
अब उनको लगा कि गांधी राज आ चुका है और जब वो विलेजेस में जाएंगे तो उनको वहाँ पर लैंड मिल जाएगी, तो उनको वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप। अब क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो रेलवे वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी, स्ट्रीमर वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी, और जब वो रेलवे तक पहुँचे या स्ट्रीमर तक पहुँचे तो वो तो बंद थी, तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते थे और पुलिस ने वहाँ पर उनको पकड़ लिया और बहुत मारा। सो यू हैव सीन दैट द विज़न ऑफ ऑल दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस प्रोग्राम। अब आपने तीन मूवमेंट के बारे में देखा, एक अवध की स्टोरी पढ़ी, एक गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश और एक असम टी गार्डन्स। अब तीनों ही मूवमेंट्स में जिस तरह से गांधी जी ने प्लान किया था, कांग्रेस ने प्लान किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदाउट वॉयलेंस, लेकिन तीनों ही जगहों पर क्या थी, वॉयलेंस। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी द टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। अब इन सब के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड था कि जब सारी सफरिंग्स या सारी ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड येट When the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally related to an All India agitation. लेकिन जिस वक्त workers, tribals गांधीजी का नाम लेते थे या slogans बोलते थे, स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे, उस time पे इसी तरीके से लगता था कि they are participating in the All India agitation. चाहे इंटरनली उनके लिए स्वराज का मतलब अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड था, लेकिन जब वो स्लोगन्स को बोलते थे, जब वो पार्टिसिपेट करते थे मूवमेंट में, तो यही फीलिंग आती थी दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दी ऑल इंडिया एजिटेशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो उनकी इंटरनल फीलिंग के बारे में नहीं पता था, उनको तो यही लग रहा था दैट दे ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट देम। एंड व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ कांग्रेस, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. और जब भी वो गांधी जी का नाम लेते थे और कांग्रेस को अपने मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते थे, तो फील यही होता था कि उनका मूवमेंट जो है वो नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज्ड है। एंड आफ्टर वन ईयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अगेन कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी, बिकॉज एट चोरी चोरा इन गोरखपुर यूपी, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called off the movement. Now, this is enough for today. In the next video, we will cover the civil disobedience movement. Thank you.